हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सीरीज का पांचवा पार्ट देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में भी मैंने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को चुना है, जिनको मैं आज आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। RTGS इंडिया में कब प्रारंभ हुआ? हमारे विकल्प हैं ए सन 2005, बी सन 2006, सी सन 2004 और डी सन 2007। RTGS RBI ने एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने के दो विकल्प दिए हैं। पहला NEFT, जिसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, तथा दूसरा है RTGS, इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। भारत में RTGS का प्रारंभ सन 2004 में हुआ था, यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, सन 2004। अगला प्रश्न है, ट्विटर का असली नाम क्या है? विकल्प हैं ए TWEET ट्वीट, बी TWTR ट्विटर, सी TEWTER ट्विटर या फिर डी नन ऑफ दीज। ट्विटर अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसका प्रारंभ 21 मार्च सन 2006 में हुआ था। इसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट कोड नेम TWTTR है, यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी TWTTR होगा। अगला प्रश्न है, हार्ड ड्राइव को विभाजित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? विकल्प हैं ए MKFS, बी एफ डिस्क, सी एफ एस सी के और डी माउंट। एमएस डॉस में दो तरह के कमांड होते हैं, पहले इंटरनल कमांड और दूसरे एक्सटर्नल कमांड। इनमें से एफ डिस्क एक एक्सटर्नल कमांड है। एफ डिस्क एमएस डॉस का एक ऐसा कमांड है जो हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट करने तथा फिर से नए पार्टीशन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी एफ डिस्क। अगला प्रश्न है, वाइबर किसका उदाहरण है? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए ईमेल क्लाइंट, बी इंस्टेंट मैसेजिंग, सी सर्च इंजन एंड डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। वाइबर बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह से व्हाट्सएप या मैसेंजर कार्य करते हैं। हम इनकी सहायता से किसी को भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या इमेजेस भेज सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस को हम लोग सदैव इंस्टेंट मैसेंजिंग ऐप कहते हैं, यानी वाइबर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम फॉन्ट साइज किया जा सकता है? हमारे विकल्प हैं ए 96, बी 100, सी 1000 और डी 3000। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रतिरूप होता है। हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका फॉन्ट साइज हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम फॉन्ट का साइज 1000 तक बढ़ा सकते हैं, यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर सी 1000 हुआ। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर किससे संबंधित है?
हमारे विकल्प हैं ए वेब एप्लीकेशन, बी वेब क्लाइंट, सी वेब होस्ट और डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो www डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करता है। यह डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए अन्य इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करता है। वेब ब्राउजर हमेशा एक वेब क्लाइंट के रूप में कार्य करता है, यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी वेब क्लाइंट। अगला प्रश्न, इंटरनेट में आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? हमारे विकल्प हैं ए लॉजिकल एड्रेस, बी फिजिकल एड्रेस, सी यूआरएल और डी सर्वर एड्रेस। आईपी एड्रेस एक प्रकार से इंटरनेट का पासपोर्ट कहा जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट पर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस किसी डिवाइस के लॉजिकल एड्रेस की तरह होता है, जिसके माध्यम से उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एड्रेस। अगला प्रश्न, सही आईपी एड्रेस कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए 365.100.689.12, ऑप्शन बी 192.168.332.10, ऑप्शन नंबर सी 192.168.15.245, ऑप्शन डी आल, यानी ये सभी। आईपी एड्रेस 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो चार भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग दशमलव से यानी डॉट से विभाजित होता है। इसमें प्रत्येक भाग की जो रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। यानी पहले वाले ऑप्शन में क्योंकि 365 या 689 लिखा हुआ है, ये 255 से अधिक है, इसलिए ये आईपी एड्रेस सही नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में 332 यानी 332 है, ये भी 255 से अधिक है, इसलिए ये भी सही आईपी एड्रेस नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो 255 से अधिक हो, इसलिए हमारा सही आईपी एड्रेस हुआ 192.168.15.245। यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर कौन सा है? हमारे विकल्प हैं ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी प्लॉटर। जब बात बेस्ट क्वालिटी की आती है तो हम ऐसे प्रिंटर को चुनते हैं जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और फोटो क्वालिटी सबसे अच्छी हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसी भी टेक्स्ट को डॉट्स के रूप में प्रिंट करता है, इसलिए ये क्वालिटी में सबसे हल्का होता है। प्लॉटर बड़े बड़े फ्लैग्स को प्रिंट करने के काम आता है, क्योंकि ये बहुत बड़े आकार के फ्लैग्स को प्रिंट करता है, इसलिए इसकी भी क्वालिटी को सबसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेजर प्रिंटर लेजर टेक्निक से प्रिंट आउट निकालता है। इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी के मामले में सबसे अच्छा प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर होता है। यह चार ये छह कलर की सहायता से उच्च क्वालिटी की इमेज प्रिंटिंग व टेक्स्ट प्रिंटिंग हमें प्रदान करता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी इंक जेट प्रिंटर। अगला प्रश्न है, OSI की कौन सी लेयर पर राउटर वर्क करते हैं? विकल्प हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ।
OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। यह किन्हीं दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। इसमें 7 लेयर होती हैं। पहली 3 नेटवर्क लेयर होती हैं, चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट के लिए होती है और 5वीं, 6ठी व 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है। इनमें से 3री लेयर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन लेयर होती है जो राउटर पर वर्क करती है, यानी OSI की 3rd लेयर होती है जिसके ऊपर राइटर वर्क करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होते हैं? विकल्प हैं ए कंप्यूटर, बी हब, सी मॉडेम और डी USB। हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो नेटवर्क कनेक्शन को कई कंप्यूटरों में बांट देता है। यह एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर की तरह होता है। यह बेसिकली एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। इनमें से जो नेटवर्क हब होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का निर्माण करते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में नोड जो होते हैं वो हब होते हैं। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के फंक्शन को कौन लॉक कर देता है? हमारे विकल्प हैं ए रैंसमवेयर, बी ट्रोजन, सी वायरस और डी स्पाईवेयर। रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। रैंसमवेयर एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इस तरह से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर दे। इनक्रिप्ट करने का मतलब है कि जैसे इस प्रश्न में हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और उसके विकल्प इंग्लिश भाषा में लिखे हुए हैं, वह इन सब टेक्स्ट को किसी ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम ना पढ़ सकते हैं और ना समझ सकते हैं। इसी को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसको दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाने के लिए हमें फिरौती की एक रकम का भुगतान करना पड़ता है। दूसरा विकल्प है ट्रोजन। ट्रोजन का पूरा नाम ट्रोजन हार्स होता है। यह एक ऐसा खतरनाक प्रोग्राम है जो किसी हैकर के द्वारा किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए बनाया गया होता है। यह हमारी हार्ड डिस्क के सारे डेटा प्रोग्राम को मिटा सकता है। ऑप्शन सी वायरस। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और यूजर की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। अंत में ऑप्शन डी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर की इजाजत के बिना ही किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। यह एक मालवेयर होता है या गुप्त रूप से उस कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन अपने मालिक को देता रहता है। इन चारों विकल्पों में रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को लॉक कर देता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए रैंसमवेयर है। अगला प्रश्न, प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? हमारे विकल्प हैं ए ESC यानी एस्केप की, बी एंटर की, सी आल्ट की और डी डिलीट की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब रनिंग कंडीशन में होती है और हम उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा ESC यानी एस्केप की को प्रेस करते हैं। एस्केप की का प्रयोग अनेक प्रकार के गेम्स को रोकने या उनसे बाहर आने के लिए किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर ए ESC। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट होती है। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस, बी कलेक्शन ऑफ फाइल्स, सी
कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड इमेजेस एंड डी ऑल ऑफ द एबव। वेबसाइट क्या होती है? हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वेब पेज का निर्माण HTML मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है, और जब उस प्रकार के कई पेज को डिजाइन करके आपस में मिला दिया जाता है तब वह एक वेबसाइट बन जाती है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब निकल के आ रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस। अगला प्रश्न, उबंटू में मिन, मैक्स और क्लोज ये ऑप्शन कहाँ रहता है? ऑप्शंस हैं ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर और डी आउट ऑफ विंडो। उबंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है हमें ये बताना है। हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर तीनों बटन होते हैं जिनसे हम पेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं या पेज को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स में हमेशा ये तीनों ऑप्शन लेफ्ट साइड में होते हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की हैं? विकल्प हैं ए एडजस्टमेंट कीज, बी मॉडिफायर कीज, सी फंक्शन कीज एंड डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारे कीबोर्ड में जो कंट्रोल या शिफ्ट की होती हैं ये हमेशा मॉडिफायर कीज होती हैं। F1 से लेकर के F12 तक विशेष प्रकार के फंक्शंस के लिए कार्य करती हैं, इसलिए इनको फंक्शन की कहा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी मॉडिफायर रहेगा। अगला प्रश्न, हम किससे बैकअप ले सकते हैं? हमारे विकल्प हैं ए फ्लॉपी डिस्क, बी रैम, सी नेटवर्क कार्ड, डी ऑल। बैकअप से हमारा मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसकी हम एक कॉपी और कहीं किसी अन्य ड्राइव में ले लेते हैं, जिससे कि यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो हमारा वो डेटा दूसरी जगह सुरक्षित रहे। इनमें से फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जो बैकअप को लेने के काम आती है। हालांकि इसका प्रयोग पहले किया जाता था, जब से CD, DVD और पेन ड्राइव का आविष्कार हो गया तब से फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाना लगभग बंद हो गया है। रैम का डेटा उठाने से कोई मतलब नहीं होता है। नेटवर्क कार्ड का प्रयोग इंटरनेट सेवा को लेने के लिए किया जाता है। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया था? ऑप्शन है ए SBI, बी RBI, सी NPC एंड डी CBI। रुपे कार्ड एक प्रकार का डेबिट ATM कार्ड होता है। सबसे पहले इसको जारी करने वाला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए SBI है। अगला प्रश्न, पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया? हमारे विकल्प हैं ए बिल गेट्स, बी टिम बर्नर्ली, सी हरमन होलेरिथ, डी मार्क जुकरबर्ग। पंच कार्ड एक तरह से कठोर पन्नों का बना हुआ कार्ड होता है जिसमें हम डिजिटल डाटा को रख सकते हैं। इसमें जगह जगह कुछ छेद भी होते हैं जिनकी मदद से यह कार्ड डाटा को रखता है। इसका सबसे पहले आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है
वो ऑप्शन नंबर सी है। बिल गेट्स ने विंडोज का आविष्कार किया था, इसलिए यह एक बहुत ही चर्चित नाम है। और मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के आविष्कारक हैं, इसलिए यह भी काफी फेमस नेम है। अगला प्रश्न, दो फाइल को मिलाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शंस हैं ए एडिट, बी मर्ज, सी एडिंग, डी नन यानी कोई नहीं। दो फाइलों को आपस में मिलाना होता है, तब हम लोग उन दोनों फाइलों को आपस में मर्ज कर देते हैं। एडिट तो किसी फाइल में कोई सुधार करने के लिए किया जाता है, और एडिंग मतलब जोड़ना, ये मैथमेटिकल सिंबल्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फाइलों को या फोल्डर्स को आपस में मिलाने के लिए हम जो कार्य अपनाते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर बी मर्ज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस एम, बी आल्ट प्लस एम, सी विन यानी विंडोज की, और डी कंट्रोल प्लस ए। कंप्यूटर का मेन मेन्यू हमेशा ही विंडोज की को प्रेस करने पर खुलता है। हमारे मेन मेन्यू में उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड सभी एप्लीकेशंस प्रोग्राम मिल जाते हैं, सर्च या रन कमांड मिल जाते हैं, कंट्रोल पैनल या अन्य जितने भी उसके सब मेन्यू होते हैं वो सब हमें वहीं पर मिल जाते हैं। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर सी विन यानी विंडोज की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? विकल्प हैं ए स्टोरेज यूनिट, बी अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट, सी प्रोग्राम यूनिट, और डी कंट्रोल यूनिट। स्टोरेज यूनिट, हर सीपीयू में एक स्टोरेज यूनिट होती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। अर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट भी सीपीयू का एक हिस्सा होता है जो गणितीय और लॉजिकल क्रियाओं को संपन्न कराता है। कंट्रोल यूनिट विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स को और यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। सिर्फ प्रोग्राम यूनिट ऐसा होता है जो सॉफ्टवेयर से संबंधित होता है और यह सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। यानी हमारे प्रश्न का सही जवाब हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम यूनिट। अगला प्रश्न, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए सिटी बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी यूको बैंक, और डी आईसीआईसीआई बैंक। जिस प्रकार से डेबिट कार्ड होता है जिसमें हमें पैसा पहले जमा करना होता है और तब हम उसका उपयोग कर पाते हैं, उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन यह डेबिट कार्ड के बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें हम इस कार्ड का प्रयोग करके खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें एक निश्चित समय में उतना पैसा हमें बैंक में जमा करना होता है। क्रेडिट कार्ड को शुरू करने वाला सबसे पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए रेल मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, तथा डी कृषि मंत्रालय। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री केजे अल्फांस के द्वारा अतुल्य भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को डिजिटल सुविधाएं मुहैया कराना। यानी इस ऐप का सीधा संबंध पर्यटन मंत्रालय से है। यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए यह महत्वपूर्ण है, बी यह ऑफिशियल है, सी आप चिल्ला रहे हैं, डी
इनमें से कोई नहीं। ईमेल पर बड़े बड़े लेटरों में टेक्स्ट लिखने का मतलब होता है कि आप चिल्ला रहे हैं, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। साथियों, मेरा इस बात का दावा है कि मेरा हर वीडियो आपकी तैयारी में आपको एक कदम आगे ले जाएगा, इसलिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।